नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभा तिवारी और अचीवर्स आईसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारत सरकार ने जो दिवंगत मंत्री हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मनोहर पारिकर, इनके नाम पर कुछ राष्ट्रीय संस्थानों का नामकरण किया है। आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने दिवंगत मंत्री सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मनोहर पारिकर के नाम पर कई राष्ट्रीय स्थानों का नाम रखा है। पहले बात करते हैं मनोहर पारिकर के बारे में। मनोहर पारिकर 2014 से 2017 के बीच देश के रक्षा मंत्री रहे। हाल ही में रक्षा व विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान रखा गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में वन रैंक वन पेंशन और वन स्कीम योजना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। IDSA की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। अब बात करते हैं सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज देश की पूर्व विदेश मंत्री रही। दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया। इसके अलावा नई दिल्ली में विदेश संस्था का नाम भी बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखा गया है। अब बात करते हैं अरुण जेटली जी की। अरुण जेटली जी ने देश को वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान रखा गया है। इसके अलावा सितंबर 2019 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर अपना फोकस रखें और आगे की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।